हेलो फ्रेंड्स, तो पंजाबी ट्रैकर इस समय है लेक सिटी नैनीताल में, और मैं स्पेशली आपके लिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कुमाऊं रीजन में उत्तराखंड में बहुत स्नोफॉल हुआ, हैवी स्नोफॉल हुआ। इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट लोग एंजॉय कर रहे हैं और कैसे स्नो को एंजॉय कर रहे हैं, क्या स्नो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो स्पेशली आपके लिए आ जाया हूँ आप मैं। तो इसलिए आप मेरे जो फ्रेंड्स हैं हल्द्वानी के, नैनीताल के, रामगढ़ के, उत्तराखंड की और दिल्ली NCR के और ऑल ओवर इंडिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस बना रहा हूँ, आपको ब्यूटीफुल सिटीज़ दिखा रहा हूँ, वो आप भी इन्जॉय करें मेरे साथ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पंजाबी ट्रैकर। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है नैनीताल के लिए। एक्चुअली कल मैंने ट्राई किया था, मैं गागर तक गया था ऊपर, आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में कि मैं गागर तक गया था ऊपर, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा स्नो था और गाड़ियाँ सारी स्टक हो रखी थी, जैम हो रखा था, तो फिर मेरे को वापस आना पड़ा। बट मैंने कहा आपको नैनीताल तो दिखाना ही है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में स्नोफॉल तो आपने देखा है, बट नैनीताल में क्या हाल है, वहाँ पे लोग कैसे हैं और टूरिस्ट क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बर्फ़ है कि नहीं, ये सब मैं बताऊँगा आपको मैं। तो आज मैंने क्या किया, गाड़ी छोड़ी घर पर, और ये हमारे भाई साहब हैं, ये बोराकोट गाँव में रहते हैं, इनका नाम राहुल है, राहुल धर्मवाल। हेलो। हाँ, तो राहुल जी मेरे को इनका शुक्रिया, मुझे लिफ्ट दे रहे हैं ये भवाली तक, और फिर भवाली से देखूंगा मैं कि आगे से कैसे ट्रांसपोर्टेशन अरेंज होता है नैनीताल के लिए। फ्रेंड्स, रोड के दोनों साइड देखो कितनी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, और ये PWD की गाड़ी थी जिसने सारी बर्फ़ हटा रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, देखो ये नमक डाल रहे हैं आगे, इतना स्नोफॉल हुआ यहाँ पे, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी स्लिप ना करे, नहीं तो गाड़ी स्लिप मार जाती है और इधर उधर पहाड़ी इलाका खाई में भी जा सकती है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। टूरिस्ट लोग इन्जॉय कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कुछ लोकल हैं कुछ बाहर के हैं। और भाई ये कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, ये बहुत खुश हो गए हैं स्नोफॉल के ओकेजन पे, और हम जा रहे हैं नैनीताल की ओर। तो इस वक्त मैं भवाली में हूँ, वो जो भाई साहब थे अपने मिस्टर राहुल जी, उन्होंने हमें उतारा था भवाली, मतलब यही चौक पे उतारा। अब यहाँ से हम चलेंगे नैनीताल की ओर, एक बस देखते हैं कौन सी बस जा रही है नैनीताल की ओर। ये नैनीताल जाएगी, नैनीताल नैनीताल। ये नैनीताल होके जाएगी ना। फ्रेंड्स, इस समय खड़ा हूँ मैं नैनीताल चौक पे। जैसे ही आप नैनीताल में आते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पहुँचेंगे, ये चौक है नैनीताल। इस वक्त हम खड़े हैं तल्लीताल के अंदर, नीचे की। भाई साहब बता रहे हैं कि जो तल्लीताल होता है, जो झील के नीचे का हिस्सा है उसको तल्लीताल बोलते हैं, और जो झील के ऊपर का हिस्सा है जो आप सामने से देख रहे हैं इधर को, ये मल्लीताल है सामने। तो हम तल्लीताल से इस मॉल रोड के थ्रू, ये जो मॉल रोड आप पीछे देख रहे हैं, इससे होते हुए हम मल्लीताल की तरफ जाएंगे। आप लोकल के यहाँ पे? हाँ, मैं लोकल, इधर के ही हो। तो
नैनीताल के माल रोड में अगर आप अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं देने पड़े पे करने पड़ेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 118 रुपीज है ऑलमोस्ट। बोटिंग के चार्जेस कितने हैं? 160 रुपये छोटा राउंड, बड़ा राउंड 210 रुपये। अच्छा अच्छा, पर बोट का होता है सर। अच्छा, पर बोट का है। हाँ, तो फोर मेंबर बैठते हैं। अच्छा, अगर आप सिंगल भी जाते हैं तो चार्ज भी लगेगा, पर बोट सेम चार्ज है उसके अंदर। जब वहाँ तक लेके जाओगे ड्रम तक बता रहे हो तो वाइट होता है ना, थोड़ा आगे तक ले जाएंगे, थोड़ा वीडियो अच्छा बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आ जाओ। वाली बोट अपने और सर पीछे जैकेट है, जैकेट पहनना होगा। हाँ सर, आप कहाँ से हैं? मैं तो वैसे गुड़गांव से हूँ मैं, पर ये रामगढ़ है ना, रामगढ़ में कॉटेज है मेरा, तो अभी तो वहीं से आया हूँ, रामगढ़ से आया हूँ मैं। अरे वहाँ तो बहुत हुआ, हमारे घर पे बहुत स्नोफॉल हुआ वहाँ पे। अच्छा, बाद में बरसात हो गई। अच्छा अच्छा, ऊपर है बर्फ? वो ऊपर तो है, सामने सामने ऊपर ऊपर ही रहेगी। 3 किलोमीटर ऊपर ये जो हाईकोर्ट ऊपर वो जो रास्ता है जो काला डूंगी जरा रास्ता। अच्छा अच्छा, घोड़ा स्टैंड ये जो मार्केट जा रही है ये मंदिर से ऊपर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा दोबारा बताओ, तेज बोलो। केव गार्डन सर, ये बता रहे हैं कि आपको केव गार्डन है। हालांकि मैं नैनीताल में बहुत बार आ चुका हूँ, मतलब हर जब भी मैं आता हूँ रामगढ़ तो नैनीताल तो आता ही हूँ मैं, बट एक केव गार्डन का नाम पहली बार सुन रहा है। तो जमीन के बता रहे, जमीन के अंदर 8 गुफाएं हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं केव गार्डन, देखते हैं अगर हमें मुझे टाइम मिला उस तरफ जाने का तो केव गार्डन भी चलते हैं। तो आपको पूरा नैनीताल घुमाते हैं आज। सर तो दोस्तों, इस समय हूँ मैं नैनीताल झील के अंदर, तो यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शन है, तो वाकई में बहुत खूबसूरत है ये। यहाँ पे इस रीजन में, कुमाऊं रीजन के अंदर बहुत सारे ताल हैं, जो सबसे बड़ा ताल है, सबसे खूबसूरत ताल है वो नैनीताल है, इसको लेक सिटी भी बोलते हैं। इसके अलावा भीम ताल है, नकोचिया ताल है, सात ताल है, पर यहाँ की ब्यूटी है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैंने कहा चलो आज नैनीताल लेक का दर्शन करते हैं। पानी बहुत क्लियर है इसका, जो ये नैनीताल लेक है, और ये पीने के लिए सप्लाई भी होता है पानी, और इसमें कई जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए हुए हैं जिससे ये वाटर जो ऑक्सीजनेटेड होता है, और यहाँ की जो फिशेज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी। तो अब हम बैठ गए रिक्शा में, ये सबसे बेस्ट वे है यहाँ पे माल रोड पे घूमने के लिए। जैसे कि हम जो तल्ली ताल से जब हमें मल्ली ताल तक जाना है तो माल रोड के साथ साथ ये रिक्शे पे हम जा सकते हैं, और इस रिक्शे पे घूम के अपने बचपन की यादें ताजा होगी। जैसे बचपन में हम रिक्शा पे घूमते थे, तो आई थिंक 15-20 साल से मैं रिक्शे पे तो नहीं बैठा, तो आज जैसे अपनी गाड़ी पे नहीं आया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो अलग ही मज़ा आ रहा रिक्शे पे बैठ के। Thank you.
तो अब हम मल्लीताल में आ गए हैं, ये है यहीं पे रिक्शा में उतारेगा आगे चौक पे। वोटिंग होगी तो रिक्शा से उतर के अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप तिब्बतन मार्केट की तरफ प्रोसीड करेंगे और वहीं पे आपको मिलेंगे ये एक तो स्पोर्ट्स ग्राउंड है पीछे जहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं नैनीताल में। और लेक के साथ साथ चलते रहिए तो आगे नैना देवी माता का जो नैनीताल की जो माता है मेन उनका मंदिर है और एक गुरुद्वारा है। यह है नैनीताल की फेमस कैंडल्स। ये भैया कितना कैंडल है ये? 20 का। नॉनवेज है भैया? नॉनवेज। मटन? चिकन। चिकन। एक हाफ प्लेट दे दो। सो लेट्स ट्राई मोमोज ऑफ नैनीताल। सुने यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे होते हैं, मशहूर हैं। भूख भी लग रही है, कुछ खा के देखते हैं। शाम को बहुत रौनक रहती है। अभी तो टूरिस्ट कम लग रहे हैं मेरे को, कल तो ज्यादा थे। कल बहुत टूरिस्ट है, पर तो बर्फ गिरी थी। यहाँ गिर थी बर्फ? हाँ बहुत बर्फ गिरी। अच्छा नीचे तो नजर नहीं आ रही है आपको? नहीं यहाँ तो बहुत बर्फ थी। क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? अमांदा रेस्टोरेंट। हाँ जी अमांदा रेस्टोरेंट। अमांदा रेस्टोरेंट, खाना तो अच्छा लग रहा है आपका? बेस्ट खाना है अमांदा रेस्टोरेंट, ऑल द बेस्ट। और चलो चैनल सब्सक्राइब करना हमारा जी, पंजाबी ट्रैकर। पंजाबी ट्रैकर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हमने ऑर्डर किए हैं शामी कबाब, वो दिखने बहुत यम्मी लग रहे हैं। तो भाई साहब मुझसे पूछते थे मेरे चैनल के बारे में, तो भूख भी लगी थी, मैंने कहा ट्राई करते शामी कबाब इनके। काफी सॉफ्ट है, यम्मी भी होगा। यस इज गुड। यूट्यूबर सर, हैदराबादी बेस्ट बिरयानी, ईरानी हैदराबादी बिरयानी एकदम चखा। वाओ वेरी नाइस, निकल रही है बिल्कुल फ्रेश एकदम। हां फ्रेश ईरानी बिरयानी हैदराबादी स्पेशलिस्ट। I am chef. He's a chef. Yeah, 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 yeah. चलो आए तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा खाना है। तो ये 300 रुपीज़ की टिकट है रोपवे की।
तो यहाँ पे जनरली एक घंटे का टाइम होता है, तो मैंने थोड़ा सा बोला भाई साहब को रिक्वेस्ट की कि भैया वीडियोग्राफी भी करनी है, 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा। बड़ी बहुत नाइस। तो ट्रॉली से उतरने के बाद हम यहाँ पे जो आए हैं, ये है स्नो व्यू पॉइंट, और अभी भी अच्छी खासी स्नो यहाँ पे, और जो टूरिस्ट हैं वो बहुत इन्जॉय करें अपनी फैमिलीज के साथ। और ट्रॉली पे जो ट्रॉली थी वो भी बहुत अच्छी थी, उसकी जो राइड थी, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। आप आएँ तो यहाँ पर जरूर आइए स्नो व्यू पॉइंट के ऊपर।